संभल में खनन माफिया ने खोली खनन अधिकारी की पोल। जिला संभल में अवैध खनन जारी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के चाहे लाख दावे कर ले, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो खबर सरकार के दावों की पोल खोलती है। देखिए रिपोर्ट में ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जिला संभल की है। तस्वीरों में दिख रहे ट्रक बालू से भरे हैं। दरअसल संभल की तहसील गुन्नौर की तरफ से आने वाले बालू रेत के भरे ट्रैक्टर ट्रॉली चंदौसी आकर मंडी लगाते हैं, जिनमें बालू का अवैध खनन होता है। जब कैमरे पर ट्रक ट्रैक्टर चालकों से बात की तो कुछ ट्रैक्टर चालक कैमरा देखकर मौके पर से चलते बने, तो कुछ अपने मालिक को फोन करने लगे। इतना ही नहीं, कुछ ने तो खबर बनाने गए पत्रकारों को भी हड़काना शुरू कर दिया। लेकिन जब पत्रकारों ने खनन अधिकारी सुरेश लाखड़ा को फोन पर संपर्क किया तो अधिकारी ने 3 से 4 कॉले करने के बाद बजी फोन को नहीं उठाया। किसका है ये? किसका कहाँ से लगा दो?